God I. Did, I did. नमस्कार मैं हूँ नीतू शमी राठौर और आप सभी देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मंत्र विज्ञान दर्शकों मंत्र हमारी प्राचीन वैदिक सभ्यता की वो अनमोल विरासत है जिनका प्रयोग हम सभी की जिंदगी को बदल सकता है मंत्रों में वो असीम ताकत है अगर हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन तर जाता है। तो मंत्रों रहस्य को आप सभी तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबू महाराज बाबू बहुत बहुत स्वागत है आपका राधे राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कृष्ण वासुदेव हरे परमात्मा परमात्मा के मंत्रों के खजाने में आपका स्वागत है प्रभु की कृपा में आपका स्वागत है मंत्र विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों परमात्मा के नाम से ही ये संसारी रचना होती है पालन होता है संहार होता है मंत्र के प्रभाव से ही ये सृष्टि अपना कार्य करती है जितना भी परिवर्तन होता है मंत्रों के द्वारा ही इस संसार में परिवर्तनशीलता आती है यानी कहने का तात्पर्य जब जब पाप बढ़ते हैं अधर्म बढ़ते हैं अत्याचार होते हैं तब तब बड़े भूकंप आते हैं जब धर्म के कार्य होते हैं आनंद की प्राप्ति होती है और चारों तरफ मंगल ही मंगल होते हैं कलिकाल का योग दर्शकों पापों का योग है कष्टों का युग है दुखों का युग है बुराइयों का युग है इसमें तो केवल एक ही उपाय है परिता परमात्मा का नाम कलयुग केवल अधारा सुमेरे सुमेरे नर ही पारा भाई भाई को आलस हो नाम जपत मंगल दसों दशाओं को मंगल करना है अपने जीवन को खुशहाल बनाना है आनंद की करनी है प्राप्ति तो मंत्रों का करना पड़ेगा जाप अगर मंत्र जाप को आप किसी कारण नहीं कर सकते हैं सवा करण मंत्रों से अभिमंत्रित है इंद्र कवच एक बार मैं आपको दर्शन करा देता हूं क्योंकि शास्त्रों ने कहा है दरस परस को मंजन पाना और कटे हूं पाप के वेद पुराना शास्त्र कहते हैं जिसके दर्शन करने से ही आनंद आने लगता है क्योंकि ये खजाना ये बैंक है ये टावर है परमात्मा की कृपा पाने का परमात्मा के आनंद की अनुभूति करने का आप दर्शन कर रहे हैं दर्शनों से भक्ति जागृत होने लगती है पाप जलने लगती है नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणामो दुख नमामि हरि परम ये अद्भुत यंत्र है इसके आप दर्शन करिए जीवन में आनंद की प्राप्ति होने लगेगी कष्ट की निवृत्ति होने लगेगी आता तो है जब प्रभु कृपा होती है पाम दे मार्ग जोई जा पर कृपा राम की होई चर्चा चलती रहेगी कॉल भी लेंगे आप हमको कॉल भी कर सकते हैं हर समस्या का समाधान परम परमात्मा के नाम है बिल्कुल भगवान के सानिध्य में आप आइए मंत्रों का उच्चारण के द्वारा कैसे आप अपनी जिंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं ये लगातार हम बातचीत करते रहेंगे राधे, रहे रहे राधे राधे बाबूजी से और नंबर राधे राधे बाबूजी से आपकी जिंदगी की समस्त समस्याओं के समाधान हेतु तो इन नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे बात कर लेते हैं स्वागत है आपका कार्यक्रम में राधे 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 जी राधे राधे जी राधे राधे जी राधा राधे जी जी आपका नाम मेरा नाम गौरंद जी मैं कहा आपको गुरु जी बात कर रहा हूँ जी 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 बोलिए जी बोलिए मेरा गांव है उड़ीसा में राजकूट करवाता हूँ जी 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 बताइए क्या क्या समस्या है क्या जानना चाहते हैं देखिए मेरा डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है कोई बात नहीं है आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए पहले उसके बाद ही हम आपसे बात कर पाएंगे थोड़ी मैं, जानना चाहता हूँ पहली बार देखा हमारा कार्यक्रम कभी का पहले भी देखा था कम देखिए मैं आपको बता देता हूँ समस्त संकटों को दूर करने के लिए कष्टों को दूर करने के लिए मन में शांति के लिए घर में आनंद की प्राप्ति के लिए एक मंत्र है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं ओम क्लीन संकट सुराये नमे ओम क्लीन संकट सुराये नमे ओम क्लीन संकट सुराय नमे करना क्या है आपको एक काला आसन लेना है कमल का आसन हो काले कपड़े का आसन भी ले सकते हैं काला आसन बिछाकर उत्तर की तरफ आपको मुख करना है उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है शाम के समय ज्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दें इससे बड़े आपको लाभ की प्राप्ति होगी धीरे धीरे आपकी समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा कष्टों की निवृत्ति होती चली जाएगी और जो आपकी घरवाली हैं जो आपकी धर्मपत्नी हैं जब किचन में रसोई में जब खाना बनाएं या कोई भी काम करें तो एक मंत्र उनको बोलना है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा इस मंत्र का जाप करना है इससे क्या होगा कि जब खाना बनाते समय इस मंत्र का जाप किया जाता है तो समस्त दर्शक अपना सकते हैं तो उस मंत्र का प्रभाव खाने में जाता है और खाने को जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर जो काम है क्रोध है ईर्षा है, है इन सब को धो डालने की दवा होती है परमात्मा का नाम तो परमात्मा का नाम जब खाने के साथ जाएगा तो आपका अंतरण पावन पवित्र होगा क्रोध शांत होगा अशांति दूर भागेगी मन में आनंद की प्राप्ति होगी जीवन को आप सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं शास्त्र में भी कहा है निर्मल मनिजन सोमोई पावा मोह कपट चले चंद्र जिनके मन पावन हो जाते हैं जिनके हृदय पावन हो जाते हैं जिनके विचार पावन हो जाते हैं जिनके दृष्टि पावन हो जाती है उनका हर क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त होने लगती है प्रयोग की कृपा बरसने लगती है और ये सब कुछ दूर भागते हैं परमपिता परमात्मा के नाम से तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा इन मंत्रों का जाप करेंगे लाभ की प्राप्ति होगी अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप इंद्र कवच मंगा सकते हैं जबरदस्ती में ये नहीं कि आप इंद्र कवच को मंगाना है बिल्कुल मत मगाइए जब दिल आपका सोचे हजार बार कहे तब आप इंद्र कवच मंगाएं और इंद्र कवच तो ऐसी अद्भुत शक्ति है चौबीस सालों से जो पूजा पाठ जप तप यज्ञ अनुष्ठान हम कर रहे हैं उसकी दिव्य आलौकिक शक्ति इसके अंदर समावेश है सवाकण मंत्रों से समावेश है बारह राशियों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है नवग्रहों को ध्यान में रखकर इंद्र कवच का निर्माण किया गया है इंद्र कवच को गले लगाएं सब कष्टों को दूर भगाएं बिल्कुल इंद्र कवच को आप गले लगाइए और आपके जीवन में जो भी तकलीफें हैं जो भी परेशानियां हैं जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो अवश्य दूर हो जाएंगी इंद्र कवच मंगवाने के लिए दर्शकों जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और घर बैठे आप इंद्र कवच की जो अद्भुत माया हुआ है और इंद्र कवच की जो असीम शक्ति उसके भीतर है जो कि आप सभी के जिंदगी से दुखों को दूर कर देगी इसे आप अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन एकदम से परिवर्तित होता है अगले दर्शक भी हम साथ शरद शरद जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में राधे 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 जी रादे रादे जी राधे राधे जी बोलिए तो शरद मेर, जी मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ जी जन्म तिथि है अठारह दिसम्बर उन्नीस सौ चौरासी अठारह दिसम्बर उन्नीस सौ चौरासी हाँ जी डेढ़ बजे दोपहर को मेरा जन्म मेरठ में ही हुआ था मेरठ में हुए हैं आप हाँ जी हाँ जी डेढ़ बजे दोपहर को दोपहर डेढ़ बजे मेरठ क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी एक्चुअली वैसे तो मतलब भगवान कृष्ण की कृपा से सब कुछ घर में है लेकिन मैं जॉब के साथ साथ ना अपना बिजनेस सॉफ्टवेयर का वेबसाइट का करता हूँ साथ में बहुत बढ़िया बहुत अच्छे लेकिन है ना मेरी जो जॉब है वो रेगुलर बेसिस पे ना छूट जाती है दो साल करता हूँ फिर छूट जाती है मतलब कुछ भी कारण हो चाहे जो और साथ में बंदे हो उनकी चुगलखोरी की वजह से या कुछ भी कारण की वजह से जॉब छूट जाती है समय समय पर जी 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 मैं अपनी मेहनत से तो पूरा अच्छा काम करता हूँ लेकिन एक स्थिरता नहीं रह पाती है में। शादी हो गई आपकी हाँ जी शादी भी हो चुकी है दो बच्चे हैं मेरे। अच्छा अच्छा बीवी एक है दो है जी बीवी एक दो है एक छे साल की बेटी है और दो साल का बेटा है बच्चे तो दो है बीवी तो एक है ना हाँ जी बीवी एक है देखिए आपकी कुंडली के अनुसार ग्रहण दोष है मंगलिक दोष है और शनि में चंद्र बैठे हैं अष्टम भाव में अष्टम भाव में जब ऐसा होता है तो आदमी बहुत मेहनत करता है और आप कन्फ्यूज रहते होंगे मैं क्या करूँ क्या ना करूँ थोड़ी ऐसी स्थिति इसमें बन जाती है और कामों में रुकावट के योग बन जाते हैं अपने इसमें शत्रु बनने लगते हैं वैसे सूर्य और गुरु आपके कर्म क्षेत्र में बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं काम आपका अच्छा है काम अपने दिल से करते हैं मन से करते हैं पर फिर भी आप उस पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि होगा क्या इसके लिए आप विशेष में आपको बताऊँ एक मंत्र का जाप करना होता है इसमें ओम क्लिंग भावना में ओम क्लिंग भावना में ओम क्लिंग भावना में मंत्र का जाप करेंगे इससे आपको बड़े लाभ की प्राप्ति होगी विशेषकर मैं बताता हूँ कि किसी के सम्मिलित काम नहीं करना है किसी के साथ में काम नहीं करना है आपको अकेले काम करना है और हो सकता है जिस जगह आप रहते हैं वहाँ से अगर जगह परिवर्तन करें तो आपको और भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार परिवर्तन के योग बने हुए हैं अगर परिवर्तन करते हैं तो लाभ की स्थिति हो सकती है और आपको बताऊं 2017 से शनि की दशा आपके ऊपर भारी पड़ने लगेगी आपको कष्ट देने लगेगी उसका उपाय भी आप पहले से ही करते रहेंगे लाभ की प्राप्ति होगी शनिदेव महाराज के जैसे शनि मंदिर में जाकर तेल से अभिषेक करें उनके चरणों का तेल अपने मस्तक से लगाया करें उसके बाद आप जैसे काला कपड़ा है उड़द हैं काले तिल हैं ऐसी चीज भी शनिदेव महाराज को अर्पण करें गरीब बच्चों के लिए पुस्तक दान करें बैग दान करें जुराव दान करें ऐसा करने से आपका मन स्थिर होगा हो सकता है सवा पांच तृतीय का मोती चांदी में बनवाकर शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन अपनी कन्या का उंगली में धारण करें तो इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी एक मंत्र का जाप भी आप साथ में और करते रहें राम रामेति रमेति रमे रामनोर राम मनोर में शैष नाम तातुल्यम राम नाम वरानन ने इसको अपने कहीं आसपास कोई ब्राह्मण हो तो उनसे अच्छी प्रकार से लिखवा लेना राम रामेति रमेति रमे राम मनोर में शैष नाम तातुल्यम राम नाम वरान ने आपके समस्त कष्टों का निवारण होगा भगवान श्री राम आपके इष्ट बनते हैं जिसमें भगवान श्री राम हो लक्ष्मण हो माँ जानकी हो हनुमान जी महाराज हों और जो उस भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हों ऐसा कैलेंडर अपने घर में लगाएं जिससे राम राज्य की आनंद की अनुभूति आपको स्वतः होती रहेगी और कल्याण ही कल्याण होता रहेगा बिल्कुल और अगले दर्शक भी हैं हमारे साथ सुभाष जी उनसे बात करेंगे अब सुभाष जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में राधे 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 जी जी कहा से बात कर रहे हैं आप मैं आगरा से बात कर रहा हूँ जी 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 बोलिए सचिन शर्मा के लिए पूछना हाँ बोलिए जी सुहा हेलो हाँ जी हाँ डेट ऑफ बर्थ बताएंगे बेटा की हाँ जी डेट ऑफ बर्थ है उसकी बारह बारह उन्नीस सौ पचहत्तर बारह बारह उन्नीस सौ पचहत्तर ग्यारह बज के चालीस मिनट मतलब सुबह की ए एम ए एम ए एम ही आ, आएगा हाँ कहा जाना आगरा ऑफ बर्थ है इसका आगरे का है जी पेठा तो बहुत खाते होंगे अंगूरी पेठा हाँ जी अंगूरी पेठा कितने दिन में खा लेते हैं समझा नहीं मैं आपकी आवाज कम आ रही रही है? कमारी है अंगोरी पेठा अंगोरी पेठा। अच्छी हाँ, क्या पूछना चाहते हैं बताइए ऐसा है, है भगवन कि इसका जो है काम जो है मतलब कि बढ़िया मतलब नीचे हो रहा जी नौकरी करता है जी जी देखिए अच्छा अच्छा मैं बता देता हूँ अभी थोड़ा सा और भाग दौड़ करनी पड़ेगी इसे यानी 2016 13 मार्च 2016 तक शुक्र में गुरु की दशा चल रही है ये जब आमने सामने रहेंगे तो चलायमान ही चलायमान की स्थिति अभी रहेगी उसके बाद एक साल के बाद इनका अच्छा समय आ जाएगा फिर इनकी कहीं एक जगह बैठने की नौकरी के योग बनेंगे अपना काम भी कोई कर सकता है प्लास्टिक से संबंधित कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा से संबंधित अपने काम के बच्चे के योग बने हुए हैं तो दो में इनका भाग्य उदय होना प्रारंभ हो जाएगा आनंद की प्राप्ति इनके जीवन में होने लगेगी हो सकता है तो बच्चे को आप इंद्र कवच धारण करा सकते हैं एक इंद्रकवच मंगवा कर गुरुवार के दिन कच्चे दूध गंगाजल में धोकर बेटे को इंद्र कवच धारण कराएंगे तो इससे मन भी स्थिर होगा और इनकी यात्रा जो चलने की है जो इनका काम चल दो, भागदौड़ करने का है इसमें भी इनकी स्थिरता आएगी और आनंद की प्राप्ति होगी साथ में एक इनका भाग्यवर्धक मंत्र बनता है ओम क्लिंग देवज्ञ नमय ओम क्लिंग देवज्ञ नमय ओम क्लिंग देवज्ञ में मंत्र का जाप करेंगे लाभ की प्राप्ति होगी गुरुवार के दिन गुरुवार के दिन चने लेने चने जैसे ढाई सौ ग्राम चने ले लिए उनको भिगो देना है गुरुवार के दिन गुड़ के साथ चने गौ माता को खिलाने हैं ये नंगे पैर खिलाए जाते हैं सवेर सवेरे सवेरे खिलाए जाते हैं ऐसा करने से भी इनके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी सुख समृद्धि आएगी मन स्थिर रहेगा और इनको अपने कार्य में अगर हाथ बढ़ाते हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी इनकी कुंडली के अनुसार भगवान विष्णु इनके इष्ट बनते हैं सात अंक इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है क्रीम कलर इनके लिए अति उत्तम बनता है नारायणम परम दामम देवी चक्रपाणी कला देवेदो नदी भगवान सर भूतेशनो निराकारो निरावासो निश निराशय पुष्पांति तो मुकुंद परमेश्वर तो भगवान नाम संकीर्तन जरूर करते रहे इससे ही जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है बिल्कुल दर्शकों और अगले कॉलर भी हमारे साथ है मोहित जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में राधे 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 जी मोहित जी कहाँ से बात तो कर रहे हैं राधे राधे मोहित जी कहाँ से हैं है फरीदाबाद ऐसी जी जी मोहित जी बोलिए डेट ऑफ बर्थ है छब्बीस छे छब्बीस छीस सौ तिहत्तर उन्नीस सौ तिहत्तर रात्रि ग्यारह बजे ग्यारह बजकर पंद्रह मिनट ग्यारह बजकर पंद्रह मिनट रात्रि में डिस्ट्रिक्ट मथुरा यूपी मथुरा यूपी कहाँ रहते हैं फरदाबाद में फरदाबाद यहाँ कौन सी फरदाबाद में कौन सी जगह रहते हैं फरीदाबाद में रोड नला रोड पर हाँ जी अच्छा नंगला रोड पर एक मंदिर भी तो है वहाँ भाजी महाराज दो बार आया आपके आश्रम डाली है लेकिन यहाँ बात हो नहीं पाई मेरी दो बार मैं के गया अच्छा अच्छा देखिए थोड़ा बिजी चलता हूँ मैं कोई बात नहीं कवच की अभी क्षमता नहीं है लेने की कोई बात सुनी बड़ा अच्छा लगता है सुनकर सबसे बड़ी तारीफ करते हैं सब लोग पे जी 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 लेकिन सक्षम नहीं भी लेने में, में मेरे काम धंधे की तरफ से बहुत प्रॉब्लम है कोई बात नहीं आप आ, आ जाना मैं आपको इंद्र कवच जरूर दूंगा आप आ जाना क्षमता तो हो जाएगी उसे लेंगे जब आपने आप क्षमता हो जाएगी आपको मैं वैसे ही दूंगा बारे में यही जानना चाह रहा काम धंधे की बड़ी प्रॉब्लम है दो तीन बार अटैक पड़ चुका है अच्छा अच्छा बहुत नाजुक है कोई बात नहीं है मैं आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क इंद्र कवच दूंगा तो आप बिल्कुल आप आइए उसको ले जा सकते हैं और देखिए इस समय भी आपका समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है अभी आपके जो दशा चल रही है राहु में शनि चला हुआ है ये नवंबर तक आपका समय अच्छा नहीं है इसमें आपको क्या करना है एक मंत्र का जाप करना पड़ता है इसमें ओम क्लिंग चंद्रोनमय ओम क्लिंग चंद्रोनमय ओम क्लिंग चंद्रोनमय मंत्र का जाप करें शिवजी महाराज को पंचामिर से दूध दही शहद गंगाजल और घी पंचामृत से सवेरे सवेरे रोज आपको स्नान करा रहे हैं आप नहीं कर सकते आपकी बीवी करे बच्चा करे कोई भी करे पंचामृत से अभिषेक कराना और साथ में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें आपकी जो घरवाली हैं वो सोमवार का व्रत धारण करेंगे इससे बड़े लाभ की प्राप्ति होगी और बिल्कुल आप चिंता नहीं करें इंद्रकवच में आपको आना ऐसे जो ज्यादा धन से ही नहीं या परेशान है हमारी संस्था सेवा करती है बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए भगवान आपके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगे और आनंद की प्राप्ति आपको होगी आप मंत्र जाप जरूर करते रहे मंत्रों से बड़े आनंद की प्राप्ति होती है और कष्टों से निवृत्ति होती है दर्शकों ये हमारे जो मंत्र मेरे सदगुरुदेव भगवान आपको मैं बता देता हूं कि मथुरा जिले में सबसे बड़ा गाँव है पाल पैगाम और पैगाम के पास फालिन गांव है जिस प्रकार पहलाद जी महाराज को अग्नि में जलाया गया था वही परंपरा को आज भी मेरे सदगुरुदेव और उनके वंशज निभाते हैं यानी पांच गांवों की होली एक जगह रखी जाती है और दर्शकों जब अग्नि उसमें पूरे अपने यौवन पर प्रज्वलित होती है तो उसमें से मेरे गुरुदेव का परिवार उसमें से निकलता है जिनका एक बाल तक नहीं जलता है यानी समझ लीजिए मकान की तीन मंजिल ऊंची इतनी ऊंची आग होती है और उसमें से जैसे पहलाद जी को जलाया गया था पहले मेरे सदगुरुदेव भगवान उससे निकलते थे फिर उनके बेटा निकलते थे अब उनके पोते निकलते हैं होली वाले दिन ये पूरे देश में क्या पूरे विदेशों तक वहां पर दर्शक आते हैं देखने के लिए तो मंत्रों की शक्ति होती है कि उनका एक बाल तक नहीं जलता है उनके दिए हुए मंत्र हैं मैं तो चाहता हूँ जाप करते हैं आनंद की प्राप्ति होती है पूरे देश में पूरे विश्व में हमारी क्रांति पहुंच चुकी है और मुझे आशा है कि आप जरूर मंत्रों में अपनी भारत की संस्कृति में अपनी देवभूमि के जो अद्भुत हमारे ऋषि मुनियों की जो पहचान है इसमें विश्वास करेंगे आनंद की प्राप्ति आपको जरूर हो बिल्कुल आनंद की प्राप्ति आप करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि जो समस्त कष्ट आपके जीवन में है वो दूर हो जाए और सीधा प्रभु की कृपा आप सभी तक पहुंचे और आप स्वयं भगवान से जुड़े तो इंद्र कवच एक ऐसा यंत्र है जो आपके जीवन को सुखों से भर देगा स्वयं आपको प्रभु से जोड़ देगा और आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचारण आपके भीतर हो रहा है तो दर्शकों अगर आप भी चाहते हैं इस चीज को अनुभव करना अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी को खुशियों से भरना तो इंद्र कवच को आप अपनाइए और अपनी जिंदगी से सभी दुखों को दूर भगाइए इंद्र कवच मंगवाने के लिए जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इन अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए स्वागत है आपका केदार जी राधे 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 गुरु जी राधे राधे जी राधे राधे जी केदार जी कहा बच्चे के विषय में जानकारी लेना डेट ऑफ बर्थ बोलिए दस दो सतासी दस दो सतासी सतासी टाइम साढ़े ग्यारह रात में साढ़े ग्यारह बजे रात को साढ़े ग्यारह बजे पीएम कहाँ का जन्म है जौनपुर यूपी जौनपुर यूपी जौनपुर यूपी जौनपुर उत्तर प्रदेश जी जी क्या जानना चाहते हैं बेटे के बारे में इसका कैरियर के बारे में बोलोग और शादी उदी कब तक हो गए देखिए करियर क्या किया हुआ है इसने बच्चे ने देखिए मैं आपको बता दूं इसका वैसे बाहर जाने के बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं अगर कोई बाहर का योग बनता है बच्चे का तो इसका विदेश का बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है वहाँ बहुत धन कमा सकता है नाम को रोशन कर सकता है शादी का भी योग अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा 2016 में इनकी शादी के योग बनिए हो सकता है 2016 के लास्ट में हो नवंबर दिसंबर तक हो ऐसी इनकी कुंडली के अनुसार योग बना हुआ है वैसे नौकरी जॉब जो होगी इनकी बहुत ही अच्छी होगी हो सकता है इंडिया में हुई तो सरकारी भी हो सकती है और बाहर गए तो ये बहुत धन कमा सकते हैं तो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए बच्चे के लिए अच्छे हैं काल सरदोष है काल सरदोष के कारण इसमें रुकावट आती है जैस का भी पढ़ाई में रुकावट आ जाए शादी में रुकावट आ जाए शादी के बाद कोई परेशानी आ जाए या नौकरी में धन में कोई थोड़ी सी परेशानी आ जाए उसके लिए हो सकता है नागपंचमी पर विशेष यज्ञ होता है उस यज्ञ को आप करा लें ना काल सरदोष की निवृत्ति के लिए और नहीं तो आप इंद्र को अच्छी बच्चे को घर बैठे भी मंगा सोमवार के दिन कच्चे दूध गंगा जल में धोकर बच्चे को आप धारण करा सकते हैं इससे बड़े लाभ की प्राप्ति होती है आनंद की प्राप्ति होती है साथ में एक मंत्र भी कर सकता है बच्चा कर सकता है तो उसके लिए एक मंत्र भी लिख सकते हैं आप ओम क्लींग प्रवीण नमः ओम क्लीन प्रवीण नमः ओम क्लींग प्रवीण नमः ओम क्लींग प्रवीण नमः इस मंत्र का जाप बच्चे से कराएं 108 बार नियमित कराएं बच्चा नहीं करता है तो आप करें यह बच्चे की मम्मी भी कर सकती है इससे बड़े लाभ की प्राप्ति होती है बच्चे का शुभ अंक बनता है दो दो अंक इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनते हैं माँ दुर्गा इनकी इष्ट बनती है हरा कलर इनके लिए अति उत्तम बनता है घर से जब भी बाहर आपका बच्चा चले तो थोड़ा सा काला नमक खाकर चलेगा तो इसकी हर यात्रा में सफलता प्राप्त होने लगेगी आनंद की प्राप्ति होगी जीवन कल्याणकारी बनने लगेगा या थोड़ी सी काले नमक की डरी इसके जेब में पड़ी हो या पॉकेट में हो कैसे भी हो तो इससे बड़े लाभ की प्राप्ति होगी और इसका भाग्य बढ़ता ही चला जाएगा बिल्कुल भाग्य आप चाहते हैं कि जानना कैसे आपका भाग्य दे हो सकता है आपके भाग्य में कैसे सुख आखिर लिखे हुए हैं तो आप भी राधे राधे बाबूजी से बात कर सकते हैं जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर इन पर आप कॉल कीजिए और सीधा आप राधे राधे बाबू से जानिए आपके भविष्य का हाल आपके जीवन में आखिर सुख कैसे दस्तक दे सकता है अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गई है रानी जी स्वागत है आपका राधे राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा बहन कहां से हैं आप मैं नागपुर से बात कर रही हूँ मैं बहुत परेशान हूँ प्लीज मुझे आप कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि मैं वो राहत मिले मुझे, मुझे थोड़ा बहुत जी जी मेरे हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ बताइए बताइए डेट ऑफ बर्थ है चौदह जून 14 जून 1985 1985 फाइव हाँ जी चार बज के शाम को आठ दस आठ दस शाम को नहीं चार, चार बज के दस मिनट शाम को चार चार बज के फोर 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 फोर, फोर, फोर आ, चार दस पी एम टेन पी एम नागपुर 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 जी मुझे ये जानना है कि मेरे हस्बैंड पिछले चार साल से सी ए स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम लिख रहे फाइनल ईयर में जी चार साल से फाइनल ईयर में ही अटके हुए सर अभी फिर उनकी एग्जाम है मई ग्यारह से जी तो उनको अब वो ये बोल रहे कि अगर अभी में से तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ और कुछ जॉब या बिजनेस बहन मैं बता देता हूँ पूर्ण रूप से इनका सी ए बनने का पूर्ण रूप से योग बना हुआ है काल सर्दोष के कारण रुकावट आ रही है अड़चन पैदा हो रही है गुरु भी इनकी बहुत ही अच्छी दशा में बैठे हुए हैं शुक्रचंद्र राव इनके दाम्पत्य घर में बैठे हैं जो ऐसो आराम का योग बनाते हैं केतु शनि लगन में बैठने के कारण थोड़ी सी टेंशन देते हैं परेशानी के योग बनाते हैं मैं तो ये कहूँगा आप हो सकता है तो नासिक में जाकर पहले काल सरदोष की पूजा करा दें या आप एक इंद्र कवच मंगवा कर इनको धारण करा दें इनके पास में रख दें इनके सोने वाले कमरे में रख दें ये दोष दूर होगा मैं लिखित में गारंटी देता हूँ दर्शकों को आपको इन्हीं में पूरे दर्शक जो देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है मैं गारंटी देता हूँ परम परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है मैं स्टाम्प पेपरों पर भी लिख लिख कर गारंटी देता हूँ कि भगवान के नाम से हर कार्य संभव है ऐसे जो भाई बहन है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं और उनको कामयाबी नहीं मिलती है तो ऐसे में तुरंत ये लाभ देते हैं आनंद की प्राप्ति होगी एक मंत्र का भी जाप करते रहें ओम क्लिंग चंद्रो नमे ओम क्लिंग चंद्रो नमे ओम क्लिंग चंद्रो चंद्रोनमे मंत्र का जाप करें आपकी बार भगवान पूर्ण कृपा करेंगे काल सरदोष की पूजा आप पहले करा लें हो सकता है आर्थिक स्थिति थोड़े ठीक हो तो एक इंद्र संस्था से मंगा इनको सोमवार दिन कच्चे दूध गंगा जल में धोकर धारण कराएं और फिर देखना अब की बारवीं कैसे नया होती है बिल्कुल दर्शकों अगर आप भी चाहते हैं कि जो आपकी जिंदगी में दोष लगे हुए हैं जो परेशानियाँ आपको घेरे हुए हैं जिन दुखों की वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तमाम परेशानियां आपकी दूर हो तो इंद्र कवच आप अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन सुख से भर जाता है तो इंद्र कवच मंगवाने के लिए जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर आप कॉल करके घर बैठे इंद्र कवच मंगवा सकते हैं राधे राधे बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चलिए इसी के साथ दर्शकों फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार संकेत सर्वपाप प्रणा प्रणामो दुख समे हरि परम कृत इंद्र कवच, जिसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है इसे पुनर्स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को जाता रहता है परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं ताकि वो अपना जीवन सुख चैन के साथ जिए राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया परम पूज्य श्रद्धे श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य से लेकर अब तक जारी है। प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट काल कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है नवग्रहों को शांत करने के लिए मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए काल सर दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है सवा करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है जी हाँ इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी हर तकलीफ हर मुश्किल का हल इंद्र कवच हफ्ते में एक दो बार तो चोट लगती ही थी कभी घुटने में कभी टकने पे, कभी कोनी पे चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़न छू हो गए हैं और अब मैं बहुत सुखी हूं जय हो राधे राधे बाबू जी महाराज तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच जी हाँ यही है सच ले आइए आज ही इंद्र जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है इसको धारण करने से मन विद्या में लगता है माँ सरस्वती कृपा करती हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रो मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है आनंद की प्राप्ति होती है किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती है और आनंद की प्राप्ति कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है यही नहीं इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है यही नहीं धन की प्राप्ति होती है अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं यदि पति पत्नी में कला है तो मिट जाता है इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है कारोबार बढ़ता है विदेश जाने के योग बनते हैं किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ यही है सच धारण कीजिए इंद्र हमारा पता है श्री बरका धाम ट्रस्ट सौ फुट रोड श्याम कॉलोनी बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा